नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो अपडेट आया है, जो शेखावाटी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, द्वितीय वर्ष के यानी कि सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो एग्ज़ाम है वो 2 सितंबर से स्टार्ट होगी। शेखावाटी विश्वविद्यालय ने आपका टाइम टेबल जारी कर दिया है। जो शेखावाटी विश्वविद्यालय वाले विद्यार्थी हैं उनका जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है। परीक्षाओं का 2 सितंबर से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होनी है, 2 सितंबर से आपकी परीक्षा स्टार्ट होगी। और ऐसे मानकर चलो अब जितने भी यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी हैं उनकी एग्ज़ाम सितंबर माह में ही स्टार्ट होनी लगभग तय है, ठीक है। इस सितंबर 2 सितंबर के आसपास, चाहे वो राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, चाहे वो कोटा वाले हो, चाहे वो उदयपुर वाले हो, चाहे वो जोधपुर वाले हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी वाले हो, राजस्थान के अंदर जितने भी रहते हैं उनकी कोई भी यूनिवर्सिटी लगती हो, उनकी एग्ज़ाम सितंबर माह में होना लगभग तय है। 2 सितंबर से शेखावाटी विश्वविद्यालय ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जिसमें आपकी एग्ज़ाम 2 सितंबर को होगी। सबसे पहले होगी आपकी फिजिक्स फर्स्ट और सेकंड, दोनों पेपर एक साथ होंगे। जैसे इस बार फाइनल ईयर की एग्ज़ाम हुई है उसी प्रकार आपके पेपर्स होंगे, फर्स्ट और सेकंड पेपर एक साथ होंगे। टाइमिंग रहेगी आपकी सुबह 7 से 10 बजे तक, ठीक है। 7 से 10 के बीच में आपके दोनों पेपर्स होंगे, ठीक है। पहला पेपर रहेगा 7 से 8:30, दूसरा रहेगा 8:30 से 10, ये आपके पेपर का टाइमिंग रहेगा। दूसरा पेपर होगा आपका 4 सितंबर को, 4 सितंबर को होगा आपका फिजिक्स थर्ड का। उसके बाद होगा आपका 8 सितंबर को, 8 सितंबर को होगा आपका केमिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड का। उसके बाद होगा आपका 10 सितंबर को, इस दिन होगा केमिस्ट्री थर्ड का, ठीक है। और उसके बाद होगा 13 नौ को आपका मैथ फर्स्ट और सेकंड का। और अंतिम होगा आपका 15 सितंबर को, जो होगा आपका मैथ्स थर्ड का। ये आपका शेखावाटी विश्वविद्यालय का टाइम टेबल है सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए। तो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया था, ठीक है, खुश थे कि प्रमोट हो गए, पहले ही बताया था आपको, जब लॉकडाउन लगा था तब से आपको ये बातें कह रहे हैं कि सेकंड ईयर वाले प्रमोट नहीं होंगे, उनके चांसेस नहीं बनते। ये चीज़, ये बात काफ़ी पहले आपको बता दी गई थी, लेकिन आपने इस चीज़ को हल्के में लिया, अच्छे से नहीं सोचा। लेकिन कोई बात नहीं है, नहीं सोचा तो अभी भी आप पढ़ सकते हो, अभी भी आपके पास काफ़ी दिन है, काफ़ी टाइम है, ठीक है। ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, 2-2, 3-3 यूनिट आपको तैयार करनी है अच्छे से, और एग्ज़ाम देकर आओ। बेस्ट ऑफ लक।